मंगलेश डबराल साहब एक बहुत ही जाने माने कवि हैं। ज़्यादातर वो ऐसी कविताएं लिखते हैं जो कि लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, ख़ासकर पहाड़ों के लोगों से। अगर आपको पहाड़ देखने का शौक़ है तो आप उनकी कविताएं पढ़िए, आपको एक ऐसा एहसास कराती हैं जैसे आप वाकई उस जगह पर पहुंच गए हों। उत्तराखंड में उनकी पैदाइश हुई है काफल पानी नाम की एक जगह पर, और बहुत ही जाने माने कवि हैं। उनकी जो सबसे फेमस रचनाएं हैं वो मैं बता देता हूं आपको, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग के शत्रु, ये उनके कुछ बहुत ही फेमस कलेक्शन हैं। और उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है उनकी एक रचना के लिए, जो जिसका नाम है हम जो देखते हैं। आज मैं उन्हीं की एक कविता आप लोगों के लिए पढ़ने वाला हूँ। अगर आपको भी कविताओं का शौक़ है और उनकी और कविताएं जानना और पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, कविता कोश पर भी उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनकी किताब खरीद कर कविताएं पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं उनकी एक कविता। पुरानी तस्वीरों में ऐसा क्या है जो जब दिख जाती हैं तो गौर से देखने लगता हूं? क्या वो सिर्फ एक चमकीली युवावस्था है? सिर पर घने बाल, नाक नक्श कुछ कोमल, जिन पर माता पिता से पैदा होने का आभास बचा हुआ है, आंखें जैसे दूर और भीतर तक देखने की उत्सुकता से भरी हुई, बिना प्रेस किए कपड़े उस दौर के जब जिंदगी ऐसी ही सिलवटों में लिपटी हुई थी। इस तस्वीर में मैं हूं अपने वास्तविक रूप में, एक स्वप्न सरीखा चेहरे पर अपना हृदय लिए हुए, अपने ही जैसे बेफिक्र दोस्तों के साथ, एक हल्के बादल के मानिंद जो कहीं से तैरता हुआ आया है और एक क्षण के लिए एक कोने में टिक गया है। कहीं कोई कठोरता नहीं, कोई चतुराई नहीं, आंखों में कोई लालच नहीं। ये तस्वीर सुबह एक नुक्कड़ पर एक ढाबे में चाय पीते समय की है। उसके आसपास की दुनिया भी सरल और मासूम है, चाय के कप, नुक्कड़ और सुबह की ही तरह। ऐसी कितनी ही तस्वीरें हैं जिन्हें कभी कभी दिखलाता भी हूं घर आए मेहमानों को। और अब ये क्या है कि मैं अक्सर तस्वीरें खिंचवाने से कतराता हूं, खींचने वाले से अक्सर कहता हूं रहने दो, मेरा फोटो अच्छा नहीं आता। मैं सतर्क हो जाता हूं, जैसे एक आईना सामने रख दिया गया हो। सोचता हूं क्या ये कोई डर है कि मैं पहले जैसा नहीं दिखूंगा? शायद मेरे चेहरे पर झलक उठेंगी इस दुनिया की कठोरताएं,
और चतुराइयाँ और लालच। इन दिनों ऐसी ही चीज़ों की तस्वीरें ज़्यादा दिखाई देती हैं, जिनसे लड़ने की कोशिश में मैं कभी कभी इन पुरानी तस्वीरों को ही हथियार की तरह उठाने की सोचता हूँ।